ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार। जीवन अनमोल है। हम सब जीवन में अलग अलग काम करते हैं, अपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मकसद यही होता है खुशहाली के साथ जीवन जीना। और इसके लिए हम वैसे तो बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, दूसरों की अगर भलाई हो सके तो वो करिए, क्योंकि अगर हम जब दूसरों की मदद करते हैं और उसके बाद जो संतोष की अनुभूति होती है वो सर्वोपरि होती है। कोरोना संकट के इस दौर में अगर आपसे जितना हो सकता है अगर दूसरे की सहायता करते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। डॉक्टर चतुर्वेदी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2342-1764। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2342-1764। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 जरूर लगाएं। डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले अगर कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा करें तो देश में पिछले 24 घंटे में 2500 से कुछ ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में भी मामलों में अब गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आज से 20-25 दिन पहले जब मामले दोबारा से बढ़ने लगे थे और ऐसा लगने लगा था कि शायद ये चौथी लहर की आशंका है, तो 20 दिन के बाद जो आंकड़े 2500 के आसपास हैं और जो दिल्ली की स्थिति है, कैसे देखते हैं आप? देखिए आनंद साहब, तो स्टेटमेंट है हमारे दोनों ही दुखदाई हैं। पूछा जाए तो कोरोना गया नहीं है, हाँ कम ज्यादा हो रहा है। जब ज्यादा होने लगता है तो हम थोड़े से ज्यादा सचेत हो जाते हैं, थोड़ा कम होता है तो थोड़ा खुशी होती है। बट शायद ये बात पक्की बात है कि गया नहीं है। 2000 केसेस तो हो ही रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि थोड़े दिन पहले जब केसेस बढ़ना शुरू हुए तो लगा कि शायद बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल टाइप का है जिसको कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हाँ क्योंकि गया नहीं है तो प्रिकॉशन उतने ही सब कुछ रखना पड़ेंगे, बट ऐसा नेचुरल आदमी का स्वभाव है, जब केसेस कम होने लगते हैं तो हम लोग आशावादी हो जाते हैं कि भाई अब शायद ये बिल्कुल खत्म हो रहा है। बट देखिए फिर भी 28 लोगों की जान गई आज भी कोरोना से, 2000 प्लस केसेस आज भी हुए, तो इसका मतलब है कि केसेस तो अभी भी हैं। हाँ कम जरूर हैं, उसके कई कारण हैं। तो वैक्सीनेशन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है। इतने बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, संसार का सबसे बृहद प्रोग्राम, अब देखिए प्रधानमंत्री जी जब खुद ही आगे बढ़ के वैक्सीनेशन को चलाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जब भी ऐसा होगा किसी भी देश में तो सक्सेसफुल होगा। तो सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसका एक बहुत बड़ा कारण है मेरी ख्याल से। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में बिहार के पूर्णिया से मोहम्मद मजहर आलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मजहर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। जय हिंद सर। मेरा दो सवाल है कि जैसे मैंने कोविशील्ड में लगवाया था तो वो क्या था, फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों लगा लिया, तो अब जो क्या था बूस्टर डोज, क्या था वही कोविशील्ड का ही लगेगा या कोवैक्सीन का ही लगेगा? और दूसरा सवाल है, जो लोग अभी तक क्या नहीं कि वो एक भी डोज नहीं लगाया, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रखा है कि उनको लगाया जाए या नहीं लगाया जाए? देखिए ये बात तो पक्की है कि आपको जो जिसको कहते हैं हम लोग बूस्टर डोज या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रिकॉशनरी डोज, वो तो आपको लगवाना तो है ही। जो आपने पहले वैक्सीन लगाया है यदि वो मिल जाता है तो आइडियल है, बट साइंटिफिक स्टडीज मौजूद हैं कि एक वैक्सीन नहीं मिलता तो दूसरी वैक्सीन भी लगाई जा सकती है।
बट हमारा जो इंडियन प्रोग्राम है वो इस पे आधारित है कि जो आपने पहले और दूसरा डोज लगाया है उसी का आप थर्ड डोज, जिसको आप चाहे बूस्टर डोज बोलिए चाहे प्रिकॉशनरी डोज बोलिए, वो लगवाना है उसको लगवा लीजिए। जहां तक आपने बोला कि जिन्होंने नहीं लिया है वैक्सीन, तो हम और आप सभी के श्रोता हम सबको कहें और हमारे आकाशवाणी भी कि या हमें यदि वैक्सीन लेंगे तो हम रोग से बच सकते हैं, स्पेशली सीरियस रोग से। देखिए जब पहली वेव आई तो सेकंड वेव आई तो कई लोगों की जान लेके गई, बट बाकी जब आया भी थर्ड वेव आई भी तो जान लेके नहीं गई, क्योंकि वैक्सीनेशन स्टेटस हमारा अच्छा था और अब वैक्सीनेशन स्टेटस बहुत अच्छा है। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों को बताएं कि अगर हम बूस्टर डोज लेंगे या वैक्सीन लेंगे तो रोग तो रहेगा पर हम बचे रहेंगे। जी हाँ, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर वेद चतुर्वेदी रिमोटोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। आज वर्ल्ड ऑटो इम्यून डिजीज डे भी है और डॉक्टर साहब उसी के विशेषज्ञ भी हैं, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कार्यक्रम से। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इस समय हरियाणा के रोहतक से बलवान सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते डॉक्टर साहब को। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं दो ये टीके लगवा चुका हूँ जी, तो या क्या तीसरी डोज लगवानी भी या प्रिकॉशन डोज जरूरी है जी, और इसके अलावा क्या अभी भी सावधानी बरतनी जरूरी है जी, क्योंकि हमारे एरिया में तो काफी कम है जी ये जो। हाँ, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखिए ये तो बात पक्की है कि साइंस का प्रिंसिपल है, जैसे बच्चों को आपने तो कभी नहीं पूछा बच्चों को कि साहब मैंने एक बच्चे को एक पोलियो डोज लगा दिया अब दूसरा लगवाऊं क्या। मां जाती है वो अस्पताल में लगाती है, जैसे जैसे आप पहला डोज दूसरा डोज और जिसको आप तीसरा डोज मानिए या प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज मानिए, वो जैसे जैसे आप वैक्सीन लेते हैं वैसे वैसे रोग से लड़ने की क्षमता, जिसे ऑटो एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो आपके एंटीबॉडीज बढ़ जाते हैं, तो इसलिए लगाना जरूरी है। एक तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, और फिर आपने बोला कि चूंकि हमारे एरिया में केसेस कम है, वो तो पूरे हिंदुस्तान में केसेस कम है, उसका कारण है कि हम प्रिकॉशन अभी भी जारी रखे हुए हैं। देखिए ना, वैक्सीनेशन अभी भी जारी है, वैक्सीनेशन तो बंद नहीं हुआ, आपने ही क्वेश्चन पूछा तो मैंने बताया आपको। मास्क अभी भी जारी है, गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन टाइम पे फिर से लिया, क्योंकि जब केसेस बढ़ रहे थे और बहुत सारे फंक्शंस हैं, शादी ब्याह हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने फिर से बोला नहीं मास्क नहीं लगाएंगे, तो इसका ये वो होगा, हम आपको इसको जुर्माना भरना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। एक एक दिखाया है कि मास्क अभी भी लगाना है, तो प्रिकॉशंस तो रखना पड़ेंगे। वही सब प्रिकॉशंस जो हम कहते हैं वो सबको मालूम है कि भाई एक दो गज दूरी बनाना है, मास्क लगाना है, जो भी है आपके हाथ वगैरह को सैनिटाइजर से यूज करना है, और मेरे हिसाब से एक और उसमें जोड़ देता हूँ, टॉकिंग एटिकेट। जब आप बातचीत करते हैं तो आपस में मुंह लगा के बात मत कीजिए, स्पेशली जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तो वहीं से फैलता है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संगम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगम जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा यह दो सवाल है, पहला सवाल यह है कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हमें अपने स्वास्थ्य पे किस तरह का ध्यान देना चाहिए और भोजन को लेकर किस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, भोजन में हमें क्या क्या ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि यदि यदि कोई दूसरा व्यक्ति टीका नहीं लिया हो तो, और मैं तो दोनों टीका ले लिया हूँ और दूसरा व्यक्ति टीका नहीं लिया हो, तो उसे हमें कितनी दूरी बना के रखनी होगी और इसके लिए हमें क्या मास्क लगानी आवश्यकता है क्या। समझ गया मैं। देखिए एक तो ये है कि चूंकि पारा इतना चढ़ गया है, गर्मी है और ये देश में तो गर्मी हर साल पड़ती है, तो गर्मी के बारे में हमारे दादा परदादा सभी ने बताया, वही मैं बताता हूँ कि एक तो जिसे कहते हैं लू लग गई, जिसे हम लोग बोलते थे एक जमाने में, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई हीट स्ट्रोक हो गया या हीट एग्जॉशन हो गया। ये ग्रेडिंग्स हैं कि छोटा मोटा आपको, आप धूप में गए और आपको थोड़ा सा थकान लगने लगी, आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए और आपको बहुत ज्यादा पसीना आ गया,
तो उसको बोलते हैं हीट एग्जॉशन, कि भाई आपको बहुत पसीना आ गया तो हम कहें भाई पानी पी लीजिए और ठंड में रहिए, बाहर मत जाइए, ऐसा कुछ ऐसे प्रिकॉशन रखिए कि भाई कम से कम धूप में जाना पड़े, छाता लेके चलिए, छाता लगाने की आदत डालिए, ठंडा पानी अपने साथ लेके चलिए, पानी पीजिए, इसको जो बोलते हैं हीट एग्जॉशन। एक बोलता है हीट स्ट्रोक, वो बहुत खराब स्थिति है, समझ लीजिए आपको बहुत हीट एग्जॉशन हो रहा है फिर भी आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, आपको या ऐसी स्थिति बन गई कि आप चले जा रहे हैं आपको, तो हीट स्ट्रोक में पसीना आना बंद हो जाता है, तो फिर वो और भी भयावह स्थिति होती है और वो शरीर के फिर बहुत से अंगों को इन्वॉल्व करता है और वो फेटल भी हो सकता है। इन द सेंस के मैं जानता हूं क्योंकि हमने देखा है, इन सबका इलाज एक ही है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा उस पेशेंट, जो आदमी होगा उसका 106-107 जिसे कहते हैं लू लग गई, तो उसको एकदम से हम लोग कहते हैं भाई ठंडे पानी में उसको नहलाइए, ठंडे पानी से उसका टेम्परेचर कम कीजिए, उसको पानी यदि मुंह से पीने की व्यवस्था में तो मुंह से पानी पिलाइए, नहीं तो आप बेसिकली क्या होता है नींबू नमक निकल जाता है शरीर का, तो नींबू नमक का पानी पिलाइए, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जो देता है वो जो सेलाइन लगाते हैं जो हमारे वेन में नसों में, इस तरह से उसका बचाव किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं रिंकी तिवारी। रिंकी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्ते। नमस्कार। और आपके साथ डॉक्टर सर है, उन्हें भी मेरा नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बिल्कुल सर, मैं जैसे अभी सुन रही थी आपका प्रोग्राम, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे थे सर। मेरा पूछने का मतलब यह है, मुझे वैक्सीन पे पूछना है कि सर जैसे 9 महीने बताया गया, अगर मान लीजिए 5 दिन या 15 दिन या 20 दिन अगर कम हो जाता है वैक्सीन लगवा ले तो कोई साइड इफेक्ट होने के चांसेस तो नहीं रहते? नहीं, वो कुछ नहीं। देखिए ये तो एक कोई कोर्ट कचहरी की डेट नहीं है, ये एक ट्रायल पे आधारित है कि आप पहला डोज आपने अभी लिया, एक डोज 4 हफ्ते बाद लिया और जो तीसरा डोज है उस 6 से 9 महीने के बीच में आप ले सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग हैं, बाय एंड लार्ज 6 से 9 के बीच में या 10-15 दिन यहां वहां भी हो जाता है, तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा था कि आज वर्ल्ड ऑटो इम्यून डिजीज डे है और आप उसी से संबंधित मरीजों का इलाज भी करते हैं, ये बहुत समझना जरूरी है और बहुत सरल शब्दों में समझना जरूरी है कि एक तरफ कोरोना महामारी के दौरान जब हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही विपरीत काम करती है और रोगों का कारण बन जाती है, क्या है ये पूरा मामला? आनंद जी, आपने बहुत ही एक सवाल ऐसा पूछा जो मेरे दिल से, क्योंकि मैं यही बीमारियां देखता हूं। देखिए इम्यून सिस्टम, जैसे कोई कहे कि भाई हार्ट सिस्टम क्या है तो सबको मालूम भाई हार्ट यहां रहता है, सबको मालूम है फेफड़े कहां रहते हैं, बट ये इम्यून सिस्टम कहां रहता है? तो इम्यून सिस्टम के ऊपर पिछले 10-15 साल में बड़ी शोध हुई, ये पाया गया कि जब भी कोई बैक्टीरिया है, कोई खराब चीज आपको अटैक करती है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है जो कई चीजों से मिलकर बना है, जिनको हम लोग कहते हैं सेल्स और एंटीबॉडी, दो मोटी मोटी चीज समझ लीजिए, एक सेल्स है एक एंटीबॉडी है। तो पहले सबसे पहले जैसे एक बैक्टीरिया गया तो वहां जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि भाई बैक्टीरिया गया तो सेल्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और जब वो दोबारा अटैक करेगा तो जब तक एंटीबॉडी एक बन के तैयार रहती है बॉडी में तो वो एंटीबॉडीज वहां पहुंच जाती हैं। ये तो एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम हुआ, इसके बहुत सारे और भी चीजें हैं, बट एक मोटी चीज याद रखिए। अब ऑटो इम्यून सिस्टम क्या है कि आपको आपका जो इम्यून सिस्टम आपके ही चीजों को, आपके ही अंगों को ये समझने लगे कि अरे ये फॉरेन है, जैसे बैक्टीरिया फॉरेन बाहर से आ रहा है, आपके समझ लीजिए वो आपके लिवर को समझने लगे कि ये तो बाहर का कोई अंग है तो लिवर पे अटैक कर देगा तो लिवर की बीमारी हो जाएगी, जोड़ों पे अटैक करेगा तो जोड़ों की बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे कई इम्यून डिजीजेस को पाया गया, क्या था कि जब बीमारी का कारण नहीं मालूम था। अब देखिए कोई एक यंग आदमी मर जाए, पुराने जमाने में भी चाहे कितना ही साइंस नहीं थी, लोग कहते थे भाई क्यों मर गया,
तो एक आदमी की जिज्ञासा जरूर थी कि आदमी को रोग क्यों हो जाता है। धीरे धीरे पता पड़ा, देखिए हजारों लोग टीबी से मरते थे पहले। देखिए एक हमारे खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी वाइफ की डेथ टीबी से हुई, जिन्ना साहब की डेथ टीबी से हुई, तो टीबी के बारे में मालूम नहीं था। बाद में पता चला कि अच्छा ये बीमारी का कारण जब पता लगाने की कोशिश की गई कि बीमारियां क्यों हो जाती हैं, तो पहले आदमी सोचता था शायद देवता नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए, तो उनकी पूजा करना शुरू किया। मेरी माँ मुझको चेचक निकलती थी ना छोटी माता, तो माता के मंदिर में ले जाती थी, तो माता नाराज हो गई। बाद में पता पड़ा नहीं, ये तो बैक्टीरिया से होती है, तो इसको बोला गया ये इन्फेक्शन की बीमारियां हैं। तो इससे एलोपैथी का बड़ा नाम हुआ कि भाई निमोनिया भी ट्रीट हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, कॉलरा भी, टीबी भी, सब चीजों की बीमारियों का इलाज सोचा कि विज्ञान ने निकाल लिया। बट बाद में पता पड़ा कुछ बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन से नहीं होती, वो इससे होती हैं, ऑटो इम्यून बीमारियां, कि आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके अंगों के विरुद्ध हो जाता है, इनको ऑटो इम्यून बीमारियां कहा गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आर्थराइटिस का डॉक्टर हूं, रूमेटोलॉजी बोलते हैं जिसको, तो ये पाया गया कि जोड़ों में कुछ नहीं खराबी, इम्यून सिस्टम कहीं गड़बड़ हो गया है, और वो दवाइयां बनाई गई कि यदि आप वो दवाइयां देंगे तो वो इम्यून सिस्टम को आप फिर से अच्छा कर देंगे। जैसे एक कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आपने वो दवाइयां दी, उससे वो सीधा हो गया, तो आपका जोड़ों की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से ये दवाइयां बनाई गई जो कि इम्यून सिस्टम को ठीक कर देती हैं। समझ लीजिए इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही खराब हो जाता है, उससे कैंसर हो जाता है। तो ऑटो ये जो इम्यून सिस्टम है इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इतना ज्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर। और मैं आपको बताऊं तो ठीक है, मैं तो आर्थराइटिस का इलाज करता हूं, और कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जिनके नाम मैं नहीं गिनाना चाहता जी, उनका इलाज करता हूं। बट कई और लोग हैं, जैसे एक जमाने में हम सोचते थे कि भाई हार्ट अटैक से ही हार्ट की बीमारी होती है, अब पाया गया कि नहीं, ऑटो इम्यून सिस्टम हार्ट पे भी अटैक कर सकता है जी, लिवर पे अटैक कर सकता है तो लिवर की बीमारी हो जाती है, पैनक्रियास पे अटैक करता है तो डायबिटीज हो जाती है। आपने देखा ना यंग 17-18 साल का बच्चे को डायबिटीज हो गई, क्यों? कि आपका इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है। तो इस तरह से ऑटो इम्यून डिजीज पे रिसर्च हुई, बहुत सारे नोबेल प्राइज पाए गए, और इन बीमारियों का इलाज पाया गया। एक जमाना में जोड़ों का बीमारी का मतलब था, ये कहा जाता था भाई इसका कोई इलाज नहीं है जी। अब ऐसा नहीं है, आप मेरे पास कोई एक पेशेंट लाइए और जल्दी, जिसको एक आध साल की बीमारी हो, तो ये बीमारियों को पूर्णतः ठीक किया जा सकता है, जोड़ों की बीमारियों को, और भी कई ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब इस पर चर्चा जारी रखेंगे, मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ, एक कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलता हूँ जी। हाँ हाँ नमस्कार जी। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, हाथों पैरों में कंपन सी होती है, और जो है हमने तीनों डोज ले ली है, और हम एक हिसाब से सुरक्षित है, ये बताइए हमें तीसरी डोज कब तक सुरक्षित रखेगी? ये तो आप हमेशा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ये जिसे कहते हैं ना, आप उसको फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज मानिए। यदि पैंडेमिक बहुत दिन चलता है, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आती है, ट्रायल्स किए जा रहे हैं कि चौथा डोज कब दिया जाएगा, या दिया जाने की जरूरत भी है कि नहीं, फिलहाल इस पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई है। ये मान के चला जा रहा है कि हमने यदि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और एक प्रिकॉशनरी डोज ले लिया, और दूसरा है कि नेचुरल इन्फेक्शन भी बहुत कुछ हो चुका है, जिसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, उससे आपका प्रिकॉशन, आपका जो प्रोटेक्शन है वो एडिक्वेट है, तो ये मान के चला जाए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, जहां तक कंपन का सवाल है, वो जरूर अपने किसी लोकल डॉक्टर को जरूर दिखाइए कि क्यों कंपन हो रहा है, वो किसी और कारण से हो सकता है जी। देश की राजधानी दिल्ली से हरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है हरदीप जी।
नमस्कार आनंद श्रीवास्तव जी। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर सर हमारा प्रश्न था जी, पूछिए। एक काफी देर से हमें हमारे जहन में एक प्रश्न था। जी जी बोलिए। डॉक्टर साहब से पूछना था। जी पूछिए। डॉक्टर साहब, जैसे मदिरा पान शराब का सेवन जी हाँ करने से ए, ए, लीवर किडनी पे असर पड़ता है, तो लीवर किडनी खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये दुनिया को मालूम, हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए क्या मैं शराब पी सकता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपको नहीं मालूम शराब खराब चीज है? सो मदिरापान है तो खराब मालूम होना चाहिए हमको सबको, चाहे वो स्मोकिंग हो चाहे अल्कोहलिज्म। हाँ, सोसाइटी में प्रिविलेंट है, उस पर हम बार बार ये बताते हैं कि भाई लीवर खराब हो सकता है, आपका किडनी खराब हो सकता है। उसके लक्षण वही है कि आपका लीवर, आपको चूंकि लीवर एक स्टोर हाउस है एनर्जी का, तो आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। आपने शराबियों की हालत कभी सोसाइटी में देखी हो कि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, लीवर बढ़ जाता है, जॉन्डिस हो सकता है, हाथ पैर कपने लगते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। ऐसे ही किडनी में है तो किडनी में कई और बीमारियां हो जाती हैं। तो मेरा मतलब है कि ये खराब चीजें हैं, इसको सोसाइटी को डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप से पूछना है कि मैं इसको किस तरह खत्म करूं और अपने दोस्तों को भी बताऊं कि ये खराब चीज है। जी डॉक्टर चतुर्वेदी, ऑटो इम्यून पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल आ रहा होगा आपकी बातों को सुनने के बाद कि फिर इससे बचने का क्या उपाय है, क्या अपनी दिनचर्या में बदलाव किया जा सकता है या फिर कोई और भी उपाय मौजूद है? आनंद जी, बहुत ही उचित सवाल है कि ऑटो इम्यून बीमारियां पहले भी थी, शायद चूंकि इसको हम पता नहीं लगा पाते थे। तो जैसे हमारे रूमेटोलॉजी में एक बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं जी। एक बीमारी होती है एसएलई, उसको ऐसे 5-7-10 बीमारियां हैं। इनको बचने का क्या उपाय है, इनके पूछा जाए तो एग्जैक्ट कारण हमें नहीं मालूम। इन्फेक्शन का तो हमें एग्जैक्ट कारण मालूम है, जैसे भाई आपको कोरोना हो गया तो ये तो मालूम है कि कोरोना वायरस है, अब उस पर रिसर्च जारी है कि कोरोना को कैसे रोका जाए। ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट तो मौजूद है। कैसे मौजूद है कि जैसे ही ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं तो एक इम्यून इन्फ्लामेशन हो जाता है बॉडी में, तो इन्फ्लामेशन की दवाई बनाई गई। जैसे कोई कहे ना कि शरीर में इम्यून इन्फ्लामेशन की आग लग गई है, तो आग को बुझाया जा सकता है ताकि आपके जोड़ खराब ना हो, आपका लीवर खराब ना हो। बट इसको रोका कैसे जा सके, इस पे एक बात जरूर है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि युवाओं के लिए मैसेज है कि आप एडिक्वेट स्लीप, कि यदि जो कहा गया है हमारे पूर्वजों ने भी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे पुरानी और हमारे ग्रंथ हैं, कि एडिक्वेट स्लीप, 8-9 घंटे आप सोते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम रिपेयर होता है। तो पहली चीज तो ये है कि आप 8 घंटे कहां से आप लाइए कहीं से और सोइए। दूसरा, एक फिजिकल, यदि जैसे पक्षी के पंख बनाए हैं, ईश्वर ने आपके पैर बनाए हैं, नहीं तो ईश्वर बनाता नहीं, तो उसका उपयोग कीजिए। ये नहीं कि आप यहाँ से निकले, कार में बैठे, मोटरसाइकिल में बैठे, फिर तो आप पैरों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो एक व्यायाम, योगा, एडिक्वेट स्लीप और एक ऐसा हेल्दी खाना जो हम सबको मालूम है कि खराब खाना क्या है, जो खराब खाना नहीं खाना, अच्छा खाना खाना है, अच्छा व्यायाम करना है। वो वॉकिंग के रूप में भी हो सकता है कि कोई कहता है भाई मैं 45 मिनट रोज चलता हूँ, थोड़ा टाइम योगा के लिए निकालता हूँ, 7-8 घंटे सोता हूँ, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रिपेयर हो सकता है। जी, राजधानी दिल्ली से अनिल कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरे 3 सवाल है सर। पहला तो ये जानना चाहते हैं कि जो अब कोरोना की अगर कोई और वेव आती है तो कितनी खतरनाक होगी, और दूसरा ये है कि जो 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की जो अप्रूवल मिली वो कब से लगनी शुरू होगी, और तीसरा सवाल ये है कि सर जैसे जो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो वो बढ़ने की वजह से शरीर में क्या क्या दिक्कतें महसूस होती हैं, ये 3 बातें बतानी है, कृपा करें, धन्यवाद।
पहले तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आपने शायद पूछा कि चौथी वेव कब आएगी, तो ये प्रेडिक्ट करना, तरह तरह के प्रेडिक्शंस होते हैं। कहा गया था कि जून जुलाई में आ सकती है, वो एक मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। क्योंकि अभी भी जारी है पैंडेमिक, तो इसकी आशा हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें सावधानी रखना भी चाहिए। माने कोरोना अभी गया नहीं है। दूसरा आपने पूछा कि जो कॉर्बीवैक्स है, जो कि 5 से 12 साल के लिए है, अप्रूव हुई है जी, जो मार्केट में अभी देखिए, एक तो वैक्सीन हमारे पास कोवाशील्ड और कोवैक्सीन तो है ही, तो कोवैक्सीन भी बच्चों के लिए अप्रूव्ड है, भारत बायोटेक की अवेलेबल है, पर कॉर्बीवैक्स और भी छोटे बच्चों के लिए है जो कि अप्रूव्ड है, और मेरे ख्याल से मार्केट में बायो ई नाम की जो कंपनी है वो मार्केट में लाने वाली है, या लाई भी होगी, हो सकता है, मुझे इतना पूर्णतः ज्ञान नहीं है जी। बट बच्चों के लिए वैक्सीन अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। और जो लास्ट आपने सवाल किया है कि कोलेस्ट्रॉल, आई थिंक जी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है, कोई भी चीज बॉडी में यदि या कम या ज्यादा हो, जैसे विटामिन कम हो तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं, और विटामिन बहुत ज्यादा हो जाए तब भी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसी कोलेस्ट्रॉल से आपकी जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, वो ब्लॉक हो सकती हैं, और यदि वो हार्ट में ब्लॉक हो जाएंगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, कहीं और ब्लॉक हो जाएंगी तो वहां भी गैंग्रीन होने की संभावना रहती है। तो जल्दी हमें ईश्वर ऊपर से वार्निंग देता है कि आप अपना थोड़ा फिजिकली लाइए जीवन में, जैसे मैंने बताया अभी, एक हेल्दी स्टाइल रखिए, ज्यादा फैट मत लीजिए, और बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी दवाइयां उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में अंतिम कॉलर को जोड़ लेते हैं, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिंद हरियाणा से। रविंद्र जी समय बहुत कम है, सवाल पूछिए अपना। हाँ हाँ, हमें समझ गया सर, समझ गया मैं। सवाल पूछिए। हेलो, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए। लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छा, इतना अच्छा पूछा, ये जो इम्यूनिटी बढ़ती है जो सोने से होती है, जितना सोओगे आप अच्छे मिलोगे, अच्छा होगा जी। लेकिन सर कई बार घर में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और जो फिजिकली प्रॉब्लम है किसी इंसान को, तो सर उसको मेंटेन कैसे करें? हाँ देखिए, वो आप जो पूछना चाहते हैं कि कई बार ऐसा नहीं हो पाता, हम लोग एज ए डॉक्टर भी नहीं सो पाते, हमें मालूम है कि हमें सोना जरूरी है, बट आज नाइट ड्यूटी है, कहीं कॉल आ गया, कोई परेशानी में फंस गए, कोई दोस्त आ गया उसके साथ, समय बहुत कम रह गया है। डॉक्टर चतुर्वेदी, इस पर कभी और चर्चा करेंगे, आप यही समझाना चाह रहे हैं कि जब भी समय मिले तो अपनी नींद पूरी कर लें। बिल्कुल। आज के विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारियां श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी जय हिंद, सब श्रोताओं को भी जय हिंद। जय हिंद सर। तो जैसा कि डॉक्टर चतुर्वेदी बता रहे थे कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, और आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर करके कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, और कोविड संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnstalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।